मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे और उन्हें तत्काल अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर कोरोना से निपटने के लिए निर्देशित किया। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार एवं अलीराजपुर जिले का प्रभार दिया गया तो वे सीधे आज धार पहुंचे और कलेक्टर तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। धार में पिछले कई दिनों से बिगड़ते हालातों के बाद उम्मीद जगी थी कि मंत्री जी कुछ सख्त निर्णय लेकर कोरोना पीड़ितों को राहत देंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी ने मीटिंग के दौरान सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने, बेड की संख्या बढ़ाने और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही, किंतु वे कब होगी इसकी समय सीमा तय नहीं की। जिले में कोरोना से हो रही हर रोज मौतों के बारे में भी कुछ नहीं बताया और उन मौतों पर कब नियंत्रण होगा इसके भी दावे वे नहीं कर पाए। हकीकत यह है कि धार के जिला चिकित्सालय में कोरोना से कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बनी हुई है और इसी इंजेक्शन तथा और तमाम सुविधाओं के अभाव में हर रोज मरीजों की जान जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात करें तो धार जिले के लिए सिर्फ 189 इंजेक्शन भेजे गए हैं, जिनमें से धार के जिला चिकित्सालय को सिर्फ 159 इंजेक्शन मिले हैं, जबकि गंभीर मरीजों के लिए ही अभी 700 इंजेक्शन की डिमांड बनी हुई है। जबकि पूरे जिले में अभी करीब 385 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, इस लिहाज से जरूरत को समझा जा सकता है। वहीं साथ ही मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि धार जिले में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्यों ही लॉकडाउन कोई अंतिम विकल्प नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। क्राइसिस मैनेजमेंट को खासतौर पे धार में जो कोरोना को लेके जो कहर बरपा एकदम जी, कल 93% रहा है जी, और आज लॉकडाउन नहीं होना कहीं ना कहीं इसको चुनौती के रूप में देखें? नहीं, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन जैसा कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि सिर्फ लॉकडाउन ही इसका समाधान नहीं है। लॉकडाउन के साथ साथ और भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आजीविका का विषय आता है, अर्थव्यवस्था का विषय आता है। लॉकडाउन एक अंत में इसलिए शासन को तय करना पड़ता है क्योंकि चेन जब बहुत विशेष हो जाती है तो उस चेन को कैसे कहीं ना कहीं हम ब्रेक करके कट करें, तो उसमें थोड़ी सी गतिरोध हो और थोड़ा ये स्प्रेड एकदम कम हो। लेकिन क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और हम लोगों ने आज यही डिस्कस किया कि जो रेट हमारी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रही है करीब करीब 10% है, वो काफ़ी हाई है। जो इंजेक्शन है उसको लेकर एक दिक्कत है। मैं वो आपका पूरा जवाब दे रहा हूँ। और अभी शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं, ये हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, पूना से और दूसरी जगहों से, गोवा से, शायद दो जगह बताई गई, तो वो आ रहे हैं। और उसमें भी शासन ने ये रखा है कि 40% से ज़्यादा, जहाँ 25 से 40% जहाँ इन्फेक्शन दर हो जाता है, जो उस स्टेज में जहाँ वो आवश्यक होता है, हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन भी हुआ है तो लोग हर जगह कह रहे हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन पाया ही गया है कि उस दर पे जब इन्फेक्शन होता है तब वो एडमिट होना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर जब प्रशासन नकार रहे हैं तो उसके अलावा क्या विकल्प रहेगा, क्योंकि जो भीड़ है वो कहीं भी किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। नहीं, देखिए मैंने आपसे खुद कहा कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांग ही ले तो हम और आप क्या करेंगे। अब उदाहरणतः अगर पत्नी को इन्फेक्शन हो गया और पति सीना चौड़ा करके बाजार में घूम रहे हैं तो इनको उनकी बुद्धिमानी कहेंगे, मूर्खता कहेंगे। नहीं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये भी परेशानी है। देखिए बात यह है कि अगर मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है तो मेरे पड़ोसी को क्या होगी। तो प्रश्न यह है कि मैं फिर निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि क्या मैं खुद से, या खुद से नहीं तो अपने परिवार से इतना प्यार करता हूँ। आने वाले हफ्ते 10 दिन में कुछ सुधार हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमने और व्यवस्था करी है, सिटी स्कैन आ ही रहा है हमारे पास में, कुछ आईसीयू बेड्स भी हमने बढ़ाए हैं, तहसील लेवल पे भी हम कुछ उपचार का प्रयास कर रहे हैं ताकि